बांग्लादेश के खिलाफ एक दो नहीं पूरे तीन खूंखार विकेट कीपर मैदान में उतारेंगे कप्तान रोहित। सीरीज शुरू होने से पहले ही कप्तान रोहित का एक फैसला सुन बांग्लादेश की टीम में फैली दहशत। कप्तान से लेकर बांग्लादेश की टीम टेंशन में, इन तीन खूंखार खिलाड़ियों से बचने का खोज रही प्लान। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर का अब पूरा फोकस बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर है। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैचों में बेहद कड़ी और रोमांचक टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही टीमों के साथ खतरनाक स्पिनर्स हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से होगा, जो 1 अक्टूबर तक चलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ ये दो मैचों की टेस्ट सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। इस अहम सीरीज के लिए कप्तान रोहित शर्मा भारत की टेस्ट टीम में तीन खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाजों का सिलेक्शन करेंगे। ये तीनों ही विकेट कीपर बल्लेबाज इस टेस्ट सीरीज में प्लेइंग 11 में जगह पाने के हकदार हैं। चलिए नजर डालते हैं इन तीन खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाजों पर। नंबर 1 केएल राहुल। केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में नंबर 6 पर बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपर का रोल भी निभा सकते हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर केएल राहुल को बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में निश्चित तौर पर मौका दे सकते हैं। राहुल वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करते हैं तो टीम इंडिया को किसी एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ मैदान में उतरने का विकल्प मिलता है। भारतीय टीम मैनेजमेंट अब उसी फॉर्मूले को टेस्ट में भी लागू कर सकती है। केएल राहुल बल्लेबाज, विकेट कीपिंग और फील्डिंग तीनों में ही तूफान मचाने के लिए जाने जाते हैं। विकेट कीपिंग में केएल राहुल की कैचिंग और स्टंपिंग भी बेहतरीन है। टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर में किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं। केएल राहुल ने भारत के लिए 50 टेस्ट मैचों में 34.08 की औसत के साथ 2,863 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल ने 8 शतक और 14 अर्धशतक ठोके हैं। टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल का बेस्ट स्कोर 199 रन भी है। नंबर 2 ध्रुव जुरेल। खूंखार विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में चुन सकते हैं। टेस्ट मैच के दौरान किसी भी मुश्किल हालात में और दबाव के बावजूद विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल मिडिल ऑर्डर में उतरकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने का टैलेंट रखते हैं। ध्रुव जुरेल ने इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ रांची में खेले गए चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में 90 रन बनाकर भारत को मैच हारने वाली सिचुएशन से निकाला था। ध्रुव जुरेल जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो टीम के 161 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 149 गेंदों पर 90 रन बनाए थे। ध्रुव जुरेल की पारी में 6 चौके और 4 छक्के भी शामिल रहे थे। भारत ने यह मैच ध्रुव जुरेल की वजह से 5 विकेट से जीता था। ध्रुव जुरेल को इसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। ध्रुव जुरेल ने रांची टेस्ट में अपने जुझारू बल्लेबाजी से पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी थी। कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर हर हाल में ध्रुव जुरेल को बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में मौका देना चाहेंगे। ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 3 टेस्ट मैचों में 63.33 की औसत के साथ 190 रन बनाए हैं। ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 1 अर्धशतक लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल का बेस्ट स्कोर 90 रन का है। और नंबर 3 ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दे सकते हैं। ऋषभ पंत के पास स्पिनरों के खिलाफ गजब की तकनीक है। ऋषभ पंत स्पिनरों के खिलाफ हावी होकर खेलते हैं। ऋषभ पंत चौके और छक्कों की बरसात कर स्पिनरों पर दबाव बनाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी स्पिनरों का अहम रोल रहेगा। ऐसे में पंत टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में वनडे और T20 क्रिकेट के स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। ऋषभ पंत ने भारत के लिए 33 टेस्ट मैचों में 43.67 की बेहतरीन औसत के साथ 2,271 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत ने इस दौरान 5 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए हैं। टेस्ट मैचों में ऋषभ पंत का बेस्ट स्कोर 159 रन है। ऋषभ पंत ने दुनिया भर के कई मुश्किल मैदानों पर टीम इंडिया के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में टेस्ट शतक लगाए हैं। ऋषभ पंत ने दिसंबर 2022 से बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। ऋषभ पंत इसके बाद दिसंबर 2022 के अंत में एक भीषण कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे। तो अब देखना होगा बांग्लादेश के खिलाफ ये तीनों विकेट कीपर बल्लेबाज कैसा खेल दिखाते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।